Good morning, students. Welcome to the class 4 subject maths. Today we are learning chapter 4 tick tick tick. इससे आगे के पार्ट में हमने बहुत सारे sums किए हैं. Tick 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 मतलब घड़ी की आवाज है. कैसे उसका टाइम देखते हैं. कौन सा हैंड है वो मिनट हैंड है. कौन सा हैंड है वो सेकंड हैंड है. और कौन सा हैंड है वो आवर हैंड है. आवर हैंड होता है वो छोटा होता है पर धीरे चलता है. वहीं पर मिनट हैंड है वो बड़ा होता है. वो आवर हैंड से फास्ट चलता है. वहीं पर सबसे छोटा पतला पतला दिखता है थिन थिन वो सेकंड हैंड होता है. वो सबसे ज्यादा फास्ट चलता है. 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट. 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर. ये सभी चीजें हमने सीखी है आगे पार्ट में. आज हम कुछ एक और सम्स करेंगे. चलिए गोइंग टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46. हॉलीडेज आर फॉर आतिफ्स हॉलीडे हैड बिगन. ही वाज वेरी एक्साइटेड. ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वांटेड टू टेल हिज कजिन सबाना. सो ही रोट फॉर ए लेटर. आतिफ के जो समर वेकेशन है हॉलीडे वो स्टार्ट हो गया है. वो बहुत ही एक्साइटेड है हॉलीडे के लिए. उसने बहुत प्लान भी बनाए थे. वो प्लान वो अपनी बहन कजिन सिस्टर है सबाना उसको बताना चाहता है. इसलिए वो उसको लेटर लिखता है. तो लेटर देखिए यहाँ पर आतिफ जहाँ रहता है वो सिटी का नाम उसने जिस दिन लेटर लिखा वो डेट और यहाँ पर वो कैसे उसको संबोधन करता है वो भी लिखा है. तो आतिफ रहता है अजमेर में. उसने लिखा है लेटर 1506 फर्स्ट डेट को 5th मंथ की 1st डेट 2006 को उसने अपनी बहन सबाना को लेटर लिखा है. डियर सबाना आपा बहन हेलो हाउ आर यू आई एम फाइन यू आपा. माय हॉलीडेज हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. आई एम गोइंग टू माय नानीज प्लेस ऑन 5506. आई विल बी बैक ऑन 2506. माय स्कूल विल रीओपन ऑन 3606. व्हेन डज योर स्कूल क्लोज. व्हाई डोंट यू कम हियर. वी विल हैव ब्रेक फॉर बाय 4 नाउ. आतिफ ने उसकी बहन सबाना को कहा कि क्यों आप आती नहीं यहाँ पर. हम बहुत सारा मजा करेंगे यहाँ पर. मेरे हॉलीडे स्टार्ट हो गए हैं. मैं 5 तारीख से 20 तारीख तक अपनी नानी के घर पे जाऊंगा. मेरी स्कूल 36 मंथ और 06 2006 ईयर तब मेरी स्कूल रीओपन होगी. सबाना वो स्टेज इन नागपुर. आतिफ अजमेर में रहता है वहीं पर सबाना है वो नागपुर में रहती है. वोट दिस लेटर 6506 डेट को उसको लेटर मिला. सी रोड बैक टू आतिफ. वो आतिफ को जो आतिफ ने लेटर लिखा है उसका आंसर देती है. डियर आतिफ नागपुर. उसने लेफ्ट साइड में अपने सिटी का नाम और डेट लिखा. फिर यहाँ पर आतिफ को संबोधन करती है. डियर आतिफ हेलो. आई एम डूइंग वेल हियर. मैं यहाँ पर अच्छी हूँ. आई गॉट योर लेटर यस्टरडे. उसको 6:05 का लेटर मिला. वो लेटर लिख रही है 7:05 को. इसलिए वो बोल रही है मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला. हैप्पी हॉलीडेज. माय स्कूल विल क्लोज ऑन 1st June 2006. मेरी स्कूल है वो 1st जून को क्लोज होगी. मेरी स्कूल अभी चालू है. इट विल री ओपन ऑन 10th August. आई विल गो ऑन ए स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न 7606. आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट. बाय सबाना. मैं मेरी स्कूल से
गोवा की ट्रिप जा रही है, उसमें जा रही हूँ। उसके बाद मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं आऊंगी। After wrote his letter on 1506, you remember how we write a date in number. हम डेट को कैसे नंबर में लिखते हैं, जैसे 1506, तो ये कैसा होगा? फर्स्ट मे, फिफ्थ मंथ कौन सा है? मे 2006. पेज नंबर 47 पर नाउ राइट ईच डेट इज 10/4. ये आप अपने नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में भी लिखिए। फिफ्थ मे 2006. फर्स्ट जून 2006, जून, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इट इज अ सिक्स मंथ। सो फर्स्ट एक, फिफ्थ
अगस्त, जून जुलाई अगस्त, जून सिक्स जुलाई सेवन अगस्त एट। इसके बाद का क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक अजमेर टू नागपुर। आतिफ ने लेटर कब लिखा था? फर्स्ट मई को। शबाना ने कब मिला सगैना को? सिक्स फाइव को। तो सिक्स माइनस वन, सिक्स डेट को, सिक्स फाइव को सबाना को वो मिला। लिखा था कब? वन फाइव को। सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव डेज। फाइव डेज का टाइम लिया अजमेर से नागपुर पहुंचने में। राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक ऑल्सो। How many days will Atik spend at his nanny's place? नानी के घर पे आते कितने दिन रहेगा? लेटर में उसने लिखा है फाइव फाइव सिक्स। वो जाएगा फाइव फाइव सिक्स को अपनी नानी के घर जाएगा। वहीं पर आएगा कब? ट्वेंटी ऑफ मई। तो ट्वेंटी माइनस फाइव, यहां से वन, टेन माइनस फाइव फाइव वन, फिफ्टीन डेज वो अपने नानी के घर पे स्पेंड करेगा। तो यहां पर आप देखिए ट्वेंटी माइनस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन डेज। फिलिंग द टेबल, यहां पर आपको टेबल दिया गया है सबानास हॉलिडे।
आतिफ हॉलिडे। डेट दी गई है, कब से स्टार्ट होते हैं वो, नंबर ऑफ डेज, numbers नंबर्स ऑफ डेज। शबाना
और आती। तो आपका आंसर है 70 डेज सबाना हॉलीडे। तो हमारा आंसर है सबाना has got longer holiday. ये सब आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक पे लिखिए, आगे के सम आगे के पार्ट में करेंगे। थैंक यू।